कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट्स 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित और लोहे बाजार की जानकारी के साथ मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट एमएस स्क्रैप का क्या भाव रहा, एमएस सिंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट, साथ ही साथ कास्ट आयरन का भाव, एचआरसी सीआरसी कॉइल के भाव की क्या रेट रहा और मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के साथ साथ सरिया बाजार की जानकारी, सरिया बाजार में आप कहाँ खरीदारी कर सकते हैं, कहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं, सारी जानकारी विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। और आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग 9:30 का शो जरूर ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे, सबसे पहले आपको बताएंगे मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट का भाव। मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट की अगर बात करें तो 47,700 रुपये कल बाजार बंद हुआ। कल एक बार बाजारों में आपने देखा कि 48,000 रुपये तक बाजार गया, लेकिन ऊपरी स्तर पर बाजार सस्टेन नहीं हो पाया और ऊपरी स्तर से बाजार में मुनाफा वसूली आई और बाजार फ्लैट। एमएस सिंगट 47,700 रुपए बाजार बंद हुआ। इसी तरीके पुराने लोहे का बाजार 36,900 रुपए, एमएस सिंगट ओल्ड स्कैप का कन्वर्जन रेट 10,800 रुपए बाजार बाजारों में कामकाज हुआ। कास्ट आयरन की अगर बात कर लेते हैं तो मंडी गोविंदगढ़ टोका का भाव 41,500 रुपए, इंपोर्टेड का भाव 42,500 रुपए हो गया। एचआरसी सीआरसी कॉइल की स्थिति जानते हैं। लुधियाना एचआरसी कॉइल का भाव 59,500 रुपए, सीआरसी कॉइल का भाव 65,600 रुपए, गाजियाबाद एचआरसी कॉइल का भाव 60,000 रुपए, सीआरसी कॉइल का भाव 69,000 रुपए, कोलकाता एचआरसी सीट का भाव 57,800 रुपए। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। 800 रुपए सीआरसी सीट का भाव, 63,500 रुपए बाजारों में कामकाज देखा गया। चलिए अब जान लेते हैं रायपुर एचबी वायर की क्या स्थिति रही। रायपुर एचबी वायर का भाव 52,300 रुपए बाजारों में एक अच्छी बढ़त देखी गई। जो इंगट में बढ़त आई उसका रिफ्लेक्शन बाजारों में देखने के लिए मिला। जीआई वायर का भाव भी 56,200 रुपए हो गया। एमएस पाइप की अगर बात करेंगे तो 51,000 से 400 रुपए बढ़ के 51,400 रुपए कामकाज हुआ। रायपुर पाइप में 49,600 रुपए वाला 50,400 रुपए रायपुर पाइप का भाव में कामकाज देखा गया। चलिए जानते हैं कुछ मंडियों के टीएमटी के भाव क्या रहे। टीएमटी का भाव जान लेते हैं तो मंडी गोविंदगढ़ में टीएमटी का भाव 52,500 रुपए, दुर्गापुर का भाव 49,300 रुपए, इंदौर का भाव 54,000 रुपए बाजारों में कामकाज हुआ। रायपुर की अगर बात करेंगे तो 50,600 रुपए, जयपुर का भाव 52,400 रुपए, मुजफ्फरनगर का भाव 50,800 रुपए, भावनगर का भाव 53,200 रुपए, गाजियाबाद का भाव 52,000 रुपए, जलना का भाव 55,200 रुपए, पटना का भाव 51,000 रुपए। सभी टीएमटी के भाव में 400 से 500 रुपए प्रति टन की एक अच्छी बढ़त बाजारों में दर्ज करेगी। जैसा कि पहले ही बताया था कि बाजारों में आप गिरावट पे आप लोग खरीदारी करके चलिए, यहां से आपको 1,000 से 1,500 रुपए बाजारों में टीएमटी में आपको तेजी दिखाई देके चल सकती है। चलिए जानेंगे मंडी गोविंदगढ़ में आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है। मंडी गोविंदगढ़ में आज का सपोर्ट का लेवल भी कल वाला ही बाजारों में देखा जा रहा है, 47,200 का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस का लेवल 48,200 रुपए का। इसी तरीके पुराने लोहे की अगर सपोर्ट की बात करें तो 36,400 रुपए रेजिस्टेंस का लेवल, 37,400 रुपए का देखा जा रहा है। मार्केट का ओवरऑल आउटलुक, बाजारों में गिरावट पर आप खरीदारी करिए, बाजारों में बहुत ज़्यादा गिरावट के आसार नहीं है, निचले स्तर से बाजारों में रिकवरी की संभावना है। बाजारों में अगर बिक्री सपोर्ट करती है तो आगे आने वाले समय में आप यहाँ से जो बाजार आपको 47,700 रुपए दिखाई दे रहा है, 49,000 रुपए होता हुआ भी बाजारों में आपको दिखाई देके चल सकता है। तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बाजारों में गिरावट पे आप खरीदारी करिए। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।